लो जी, मुझे बुखार हो गया जी और होटल आए हैं यहाँ पर, इशारे भी मारे हुए हैं, सर में बहुत दर्द है जी। ये हमारे बहुत ही अच्छे भाई हैं उस्मान भाई, इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है, इनको अस्पताल लेके आए हैं। बुखार था, जिसम में दर्द, खांसी, तो इनको ड्रिप लगा हुआ है। अल्लाह इनको सेहत का मिराज नसीब करें और जल्द से याब करें जी। उस्मान भाई क्या कहना चाहते हैं आप? देखो मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग, हमारी तश्कील हुई है लाहौर से, इज्तिमा से खुशदार, और रास्ते में हम लोग गाड़ियों में आए, सहूलियात के साथ आए, और इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर लोग जो अलग रास्ते में इज्तिमा से निकले, तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब तक अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है तो हम लोग इसकी कदर कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, सेहत बहुत बड़ी नेमत है और ज़िंदगी उससे बड़ी नेमत है। कम से कम हम तबलीग में नहीं जा सकते तो नमाज तो कम से कम कायम करें। अल्लाह का शुक्र है, हमारी जमात में सब नौजवान थे, किसी ने नमाज नहीं छोड़ी, सब बीमार थे। तो मेरा मैसेज है उन नौजवानों से, लोगों से, कि जो सेहत वाली नमाज नहीं पढ़ते, मैंने ज़िंदगी दी है तो इसको हमें सही तौर पर गुजारना चाहिए। हमारे मुअज़्ज़ज़ साथी और बहुत ही दिल के करीब हमारे दोस्त उस्मान बेग साहब अस्पताल से वापस आते हुए, उस्मान भाई कैसा फील कर रहे हैं अभी? अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी ज़्यादा बस अल्लाह ने सेहत दे दी माशाल्लाह। वो हमें फ़िश बनवाई भी थी, वो कैंसिल करनी पड़ेगी, वो भी हमारे नसीब में नहीं थी। अब अंडे खाएंगे हमें जी। चलो भाई, चले बिस्मिल्लाह करेंगे, बिस्मिल्लाह। अभी हम जा रहे हैं अपने रूम में और वीकनेस बहुत हो गई है, तो डॉक्टर ने फिर से खाना पीना बंद कर दिया, ना फ्राई खा सकते ना ग्रिल खा सकते हैं। कोई साथी है? वालेकुम अस्सलाम, कैफ हालुका या अखी? जी अभी हम क्वेटा से खुशदार जा रहे हैं और ये अभी हम मस्तूंग पहुंचे हैं, तो रास्ते में जोर की नमाज का टाइम है, तो हमने कहा कि हम नमाज़ पढ़ते हैं। ये माशाल्लाह उस्मान भाई वजू कर रहे हैं और माशाल्लाह मौसम बहुत ठंडा है, इधर का बहुत यख इलाका है और ये बुखार भी है इनको। हमारे ये चारों जवान जो है जमात के साथ, इन सब को बहुत सख्त बुखार है। और ये भाई मसूद है माशाल्लाह, भाई मुशरफ, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई वकास जो है, इनको भी बुखार है भाई वकास, इधर देखिए आप माशाल्लाह मुजाहिदा करते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मस्जिद है जी इधर, अभी इंशाल्लाह हम अपने सफ़र की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है वो इस वक्त क्वेटा के लिए निकले हैं। आगे हमारी जो तश्कील है पूरी जमात की, वो हुई है खुशदार। इंशाल्लाह आपको आगे का जो है वो सफ़र है वो भी आपको जो है इंशाल्लाह इस वीडियो में दिखाएंगे, तो आपने हमारे साथ रहना। एक जगह पॉइंट हमने यहाँ पर स्टे किया, यहाँ की दाल जो है ट्राई कर रहे हैं, हवा भी माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन चल रही है, तो इस हवा में सबसे बेहतरीन चीज़ तो कोयले वाली चाय है। अभी आपको एक और भाई सब मिलवाते हैं जो ये वीडियो बना रहे हैं। जी जनाब, क्या कहेंगे आप, अभी तक का कैसा सफ़र आपका चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मुश्किलों से तो थोड़ा सा गुजरा है, लेकिन जो है अल्लाह के रास्ते में, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह मुशक्कत के काम करेंगे, तो इंशाल्लाह अल्लाह हमें जो है इसका अजर देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो सफ़र काफ़ी थका दिया है, सफ़र ने दो दिन से सफ़र में ही है, तो उम्मीद है आज पहुंच जाएंगे सुबह इंशाल्लाह। चलें जी, आ गया जी हमारा, हमारी दाल आ गई है, अब तो ट्राई करते हैं, अल्लाह करे जो है वो अच्छी हो।
अच्छी होगी इंशाल्लाह, खुशबू तो अच्छी आएगी। तो जी उस्मान भाई, कोई टेस्ट चेस अच्छा है? अच्छा है, असल में यहाँ से गुजरने वाले लोग ज्यादातर पख्तून है। अच्छा, तो जो मैंने यहाँ पर टेस्ट किया ना, ठीक है, तो ये इन्होंने पख्तून के टेस्ट को रखते हुए सामने बनाया, क्योंकि तो ज्यादा मिर्चे नहीं खाते है ना, हाँ हाँ, इसकी वजह से ज्यादा मिर्चे नहीं डालते, अच्छा, लाल मिर्चे, अच्छा, हरी मिर्च डाली, इससे अच्छा टेस्ट आया। ये चाय आ रही है, तो चाय में जो कोयले की थोड़ी थोड़ी खुशबू आ रही है, तो ये खुशबू ही जो है वो असल चाय के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो क्वेटा जो है वो खैर आफियत से पहुंच चुके हैं, और हमारी आधी जमात जो है वो जो लोग दो दिन पहले पहुंचे थे वो लोग आगे खुशदार चले गए हैं अपना गाड़ी पे। मैं ये सोचता हूँ कि यार ये तो हम तो गाड़ियों में आए हैं, बसों में आए हैं आराम के साथ, और वो लेट कर और बैठ कर खा पी खाते पीते हुए, लेकिन सहाबा जो है वो मुश्किल तरीन दौर से गुजरे हैं। हमारे पास हमारे बिस्तर, बैग, जराबें, वाटर प्रूफ चीज़ें, मोबाइल, एक्सेसरी, सारी चीज़ें होती हैं। सहाबा का उनकी कुर्बानियों को सामने रख कर जब हम चलेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। तो उम्मीद है कि आप जो है वो तमाम हज़रात खैर वाफिस से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्वेटा जो है वो पहुंच चुके हैं मुल्तान से, और अफसोस की बात ये है और दुख की बात यह है कि हमारा एक जो है वो जमात का साथी जो है वो तंदुरुस्त होता है तो दूसरा जो है बीमार हो जाता है। तो सबसे पहले जो है वो इनको जो है ना वो काफ़ी सोर थ्रोट हो गया, फिर उसके बाद बुखार भी चढ़ गया, फिर ये हमारे वकास भाई ने इनको दिखाया जी, ये भी सेम इनकी ये सिचुएशन थी। उसके बाद जो है वो मुशर्रफ भाई वो सो रहे हैं, अब उनकी थोड़ी सी तबीयत इस तरह की है, अभी ये दोनों काफ़ी हद तक जो है वो सेहतयाब हो गए हैं। अल्लाह के रास्ते का भी बुखार है तो इंशाल्लाह ताला इसमें भी अल्लाह की तरफ से खैर होगी। ये नाश्ता हो रहा है जी खालिस। तो अब की बार मैंने प्लान किया कि ये जो है ना जी ये इसको कम करना, तो उसके लिए बेस्ट है ऑलिव, और निहार में आपके हाजमे के लिए, ताकत के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है ना वो बहुत मुफीद है। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इसको ऑलिव ऑयल के अंदर जो है वो जो इसका एक्स्ट्रा वर्जन मिलता है तो उसमें जो है ना उसको एयर टाइट करके मैंने 15 दिन जो है वो रखा है, और अंजीर का खाने का मज़ा भी बड़ा आ रहा है, जैसे कोई चॉकलेट टॉफी हम खा रहे हो, बड़ी नरम हो गई है। और इसके साथ जो है वो अभी मेरा प्लान है, वैसे तो मैं अमूमन दूध पीता हूँ इसके साथ, लेकिन अभी चूँकि यहाँ पर ठंड भी है क्वेटा में तो ये कॉफ़ी जो है ना ये मैं अपने साथ में रखी हुई है, नॉर्मल एक कॉफ़ी है। और बाकी हम अपने चिकन रोल का जो है ना वेट कर रहे हैं, और जो वीडियो बना रहे हैं उनका बहुत दिल कर रहा है खाने का, लेकिन वीडियो बना रहे हैं सो उसके बाद। तो अभी हम एक दोस्त के जो है ना वो एक फ्लैट में जो है ना वो हमने स्टे किया हुआ है, हमारे कुछ साथी थे उन्होंने आराम करना था, तो इंशाल्लाह जो है ना वो हम नेक्स्ट टुमारो जो है वो इंशाल्लाह हम दोबारा अपने सफ़र को शुरू करेंगे खुशदार की तरह, जो हमारा हमारी लास्ट डेस्टिनेशन है जमात की। ये वो पट्टी है जहाँ पर साल की पैदल जमातें जो है वो चल रही हैं, गश्ते कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, दीन की मेहनत कर रहे हैं, और अपने ऊपर मुजाहिदा करके जो है वो अपना जान माल अपना लगा कर लोगों की मेहनत तले करके उनको मस्जिद वाला बना रहे हैं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों से ये बात शेयर की जाए कि हम लोग शहरों में होकर मस्जिद में नमाज के लिए नहीं जा सकते, लेकिन कुछ अल्लाह के ऐसे भी बंदे हैं जो कि ऐसे पहाड़ों के अंदर सुनसान बियाबान जगहों पर जिसमें सर्दी गर्मी उतार चढ़ाव बीमारी के सब आते हैं, हम तो बड़ी आसाइशों के साथ यहाँ तक पहुँचे, लेकिन वो लोग जिनकी साल पैदल की जमाते हैं, जो तीन तीन चार चार इवन के छः छः नौ नौ किलोमीटर भी पैदल चलते हैं और अपना सफ़र तय करते हैं, और मुझे गाड़ी में बैठ के जब उस पुल से इतना खौफ आ रहा था, मैं सोचा था कि जो जमातें यहाँ से गुजरती हैं तो उनका क्या हाल होता होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टूर है वो क्वेटा से खुशदार हमारी तश्कील हुई 28 दिन की, तो इंशाल्लाह वहाँ के भी आपको मनाजिर दिखाएंगे, और जब थोड़ा सा टाइम मिलता है व्लॉग बना लेते हैं,
तो इंशाल्लाह आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं अगर आप इन जगहों पे आए हैं।